अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां पूरा मामला नई गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवलहा जल प्रताप का बताया जा रहा है, जहां बीते 6 तारीख को 24 वर्षीय युवक रंजीत साकेत निवासी पथरौड़ा कला ने पारिवारिक विवाद के चलते देवलहा जल प्रताप में छलांग लगा दी थी, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी नई गढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर को दी गई थी, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी नई गढ़ी पुलिस ने व्यक्ति को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया। 24 घंटे से ज्यादा समय बीत गया है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इसके बाद जब मीडिया के लोग जल प्रताप पर पहुंचे तब नई गढ़ी पुलिस होश में आई है और कूड़े के इर्द गिर्द चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक ना तो पुलिस दूरबीन की व्यवस्था कर पाई और ना ही कुंड के अंदर उतरने का पूरे मामले की जानकारी रीवा एसपी नवनीत भसीन को दी गई है। अब देखना यह होगा कि युवक की तलाश पुलिस कब तक करती है। इस पूरी घटना को युवक के पिता ने अपनी आंखों से देखा था, जिसके बाद नई गढ़ी थाना प्रभारी को मामले की जानकारी दी गई थी। सूचना दी गई है, बट आते हैं और देख के चले जाते हैं, मतलब दूरबीन के लिए कहेंगे दूरबीन आ रही, कल से अभी तक दूरबीन आई नहीं। 24 घंटे हो गए कल, मतलब 11 बजे के कूदे हैं वो, 11 बजे की सूचना दी गई है, अभी तक उनकी दूरबीन नहीं आई। दूरबीन नहीं आ पाई, कौन है, नाम क्या था उनका? रंजीत नाम था सर। कितने वर्ष के थे? 24 वर्ष। क्या कह रही है नई गढ़ी पुलिस अभी? अभी नई गढ़ी पुलिस यही बोलती है दूरबीन आ रही, घूम गया होगा, अभी नहीं कूदा है, कूदा नहीं है, ये बोलते हैं कि कूदा ही नहीं, और उनके पिताजी बोलते हैं कि मैं अपनी आंख से देखी हूं। पुलिस वाले ने कहा था कि बाप के सामने बोले हैं और देख रहे हैं, तब भी पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहते हैं कि नहीं। क्या बोलते हैं पुलिस वाले? बोलते नहीं कूदे हैं, और उनके पिताजी बोलते हैं कूदे हैं, सामने देखे हैं वो। पुलिस में कौन बोलता है? नाम तो मुझे हम लोगों को नहीं पता है, पहचान में आए कूड़ा कूद गए, भागी जा रही होगा पकड़ाइए तो नहीं लौटी तो आए तो कूड़ा कूद गए होगा पकड़ाई के चक्कर में वो छूटी गए। सर अभी एक मामला प्रकाश में आया है बहुत ही अष्टभुजा वाटरफॉल का। यहाँ एक पथरौड़ा गाँव का एक लड़का है साकेत परिवार का, जो है कल दोपहर से उसके पिताजी ने सूचना दी थी कि किसी कारण से परिवार के विरोध में वो आके नाराज होकर कूद गया है। सूचना पर हम लोगों ने जो है कल से ही लगे हुए हैं और करीब कल एक टीम सर्चिंग लगाई थी, 12-13 लोग की टीम अंदर गई थी सर्चिंग में, अभी तक कल पता नहीं चला, आज भी 2-3 लोग गए थे, कोई सर्चिंग में बॉडी अभी मिली नहीं है और प्रयास अभी जारी है लगभग, और पानी में भी कोई ऐसी चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है, और वरिष्ठ अधिकारी को सूचना कर दिया गया है और SDRF जो टीम रहती है उसको भी सूचना दी, वो भी टीम आई रही है। 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, चूंकि घटना ऐसी है कि बॉडी का पता नहीं चल रहा है। हाँ उसमें चूंकि जब तक चीज़ें दिखेगी नहीं, क्लियर नहीं होगा, तो और वैसे भी नेचुरल 450 फीट गहरा है, तो वहाँ बगैर किसी सुविधा के तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, और सर्चिंग ऑलरेडी हो रही है, टीम वहाँ तक पहुँच गई है, लगे वहाँ सर्चिंग में लगे हुए थे स्थान जहाँ नीचे वहाँ तक पूरी टीम गई हुई थी, कोई ऐसी चीज़ अभी दिखी नहीं है, जब तक दिखती नहीं है तब तक कोई ऐसा कैसे अनुमान लगा जाए कि कहाँ पर चीज़ है। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना के बाद अभी तक SDRF, हाँ सूचना दे दी गई है, SDRF भी रवाना हो गई है, और उसके बाद तक आने का अनुमान है नई गढ़ी, अब रीवा से रवाना हो गई है, तो लगभग जो भी टाइम उनका लगेगा